कोटा बूंदी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के उम्मीदवार ओम बिरला और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने राजनीतिक अनुभव और समर्थक आधार पर चुनावी मैदान में मजबूती से डटे हुए हैं। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो ब्रांड मोदी के सहारे वोट साधना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जाति वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का साथ छोड़ पार्टी में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। ओम बिरला का राजनीतिक और पारिवारिक पृष्ठभूमि। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं और भाजपा के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री पूरी की है और उनका राजनीतिक करियर भी लंबे समय से भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। बिरला का जन्म 23 नवंबर 1962 को एक मारवाड़ी हिंदू परिवार में हुआ था। प्रहलाद गुंजल की पृष्ठभूमि और सियासी सफर। प्रहलाद गुंजल, जिन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, गुर्जर समुदाय से आते हैं। गुंजल ने LL.B की पढ़ाई की है और उनका जन्म 30 जून 1967 को हुआ था। गुंजल की सियासी सफर में भाजपा के खिलाफ उनके बगावती रुख के कारण उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। चुनावी समीकरण और जातिगत गणित। कोटा बूंदी सीट पर जातिगत समीकरण भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 2.70 लाख है। इसके बाद मीना 2.25 लाख और ब्राह्मण 2.05 लाख समुदाय आते हैं। गुर्जर मतदाता, जो कि गुंजल के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, की संख्या करीब 1.90 लाख है। इस प्रकार गुर्जर, मीना, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाता चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुख्य मुद्दे और चुनाव प्रचार। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। बिरला को उनके विकास कार्यों और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए समर्थन मिल रहा है, जबकि गुंजल भाजपा के कार्यों की आलोचना कर रहे हैं और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संभावित विजेता। कौन विजेता होगा, यह मतदाताओं के अंतिम निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल और समीकरणों को देखते हुए यह चुनाव बेहद रोचक और संघर्षपूर्ण रहने की संभावना है। बिरला के पास उनके समर्थक आधार और राजनीतिक अनुभव का फायदा है, वहीं गुंजल जातिगत समर्थन और कांग्रेस की नीतियों के बल पर मुकाबला कर रहे हैं। इन सभी पहलुओं को देखते हुए कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर चुनाव परिणाम का अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन यह तय है कि यह मुकाबला बहुत ही नजदीकी और दिलचस्प रहेगा। राजस्थान की कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो ब्रांड मोदी के सहारे वोट साधना चाहते हैं, तो वहीं कांग्रेस ने जाति वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का साथ छोड़ पार्टी में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को मैदान में उतारा है। ऐसे में प्रदेश की इस सीट पर 15 उम्मीदवार होने के बावजूद अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। यह चर्चा जोरों पर है कि क्या ओम बिरला हैट्रिक लगा पाएंगे या इस सीट से नया चेहरा संसद पहुंचेगा। जातीय समीकरण। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 20.88 लाख है। इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता 2.70 लाख के करीब हैं, वहीं दूसरे मजबूत मतदाता मीना हैं, जिनकी संख्या 2.25 लाख है। ब्राह्मण 2.05 लाख है। 1.25 लाख के करीब वैश्य, इतने ही राजपूत, 1.25 लाख माली, 3.5 लाख SC और 1 लाख OBC वोटर है। सीट पर गुर्जर मतदाता भी 1.90 लाख के आसपास है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अब तक के चुनावों में गुर्जर मतदाताओं को बीजेपी की ताकत माना जाता रहा है, लेकिन प्रहलाद गुंजल गुर्जर जाति से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच जीत हार का फासला पहले चुनावों के मुकाबले बेहद कम होने की संभावना है। पार्टियों के स्टार प्रचारक जाति आधारित। जातीय समीकरण को साधने के लिए दोनों पार्टियों ने मैदान में स्टार प्रचारकों को उतारा है। बीजेपी ने मंत्री मदन दिलावर, हीरालाल नागर सहित डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा, किरोड़ी लाल मीना, इजयराज सिंह, विधायक कल्पना देवी, संदीप शर्मा, अशोक डोगरा, चंद्रकांता मेघवाल, प्रेम गोचर और CM भजन लाल शर्मा को प्रचार मैदान में उतारा है। अमित शाह ने हाल के दिनों में क्षेत्र में रैली की। वहीं गुंजल के समर्थन में पूर्व CM गहलोत, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा प्रचार कर चुके हैं। अब प्रियंका गांधी के रोड शो की तैयारी है, साथ ही विधायक अशोक चांदना, शांति